शांति 27/9/2021 महावाक्य है, मीठे बच्चे योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। प्रश्न, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़े है, कल कल करते मर जाएंगे तो फिर कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। अभी बहुत टाइम पड़ा है यह सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है, ओम नमो शिवाय नमः, ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकते। शिव बाबा ब्रह्मातन का आधार लिए बिना ज्ञान दे नहीं सकते, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा, और आती सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों के बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब था। ये 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि बाझार जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है, सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भर शास्त्रों में भूल कर दी है। कौन सी भूल? जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं, उनको कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। बाप को कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का
विनाश होगा। विनाश के पहले स्थापना होगी, सतयुग में स्थापना नहीं होगी, सतयुग से पहले स्थापना होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना पड़ता है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तो देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग, योग से ही पावन बनेंगे। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई, सभी आत्माएं पतित बनी हुई है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है, अगर पतित पावनी गंगा है, तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं? बुद्धि कहती है कि परमपिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है, जो चीज जर्जरीभूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। पुरानी चीज जर्जरीभूत तमो प्रधान कहते हैं, न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, ये तो है आयरन एजेड वर्ल्ड। तो ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए, घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है, सुखधाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारे क्यों? एक बार आत्मा पावन बन गई, सुख शांति शक्ति से संपन्न बन गई, बाबा कहते फिर पुकारे क्यों? वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची, यह बना बनाया खेल है जिनका पार्ट पिछाड़ी में है। दो चार जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहते हैं। बाकी खेल से कोई निकल जाए ये तो हो नहीं सकता, कम से कम एक जन्म लेना ही है। खेल से निकल जाए ये हो नहीं सकता, एक दो जन्म लिया, बाकी समय में जैसे कि मोक्ष है, आत्मा पार्टधारी है, कोई का ऊंचा पार्ट है कोई का कम है, गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता, ये बना बनाया खेल है, ये किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पड़े,
भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं ना, कोई 7 दिन में अच्छे रीति समझ लेते हैं, कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा, उच्च पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा। अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है, बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अब करो वा ना करो तुम्हारी मर्जी, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना, भक्तिवाद में भी कहते हैं कि पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, बादशाही ऐसे ही थोड़ी मिलती है, याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है, लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है, शिव भगवान वाच, भूले तो सबसे होती रहती है, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूं। भारत के जो भी शास्त्र है यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है, यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं मैंने जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर यह ज्ञान प्राह्या लोक हो जाता है, तुम ही चक्र लगाए फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैंपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का, यह दैवी झाड़ का सैंपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हो कि उनका प्लान क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है। वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज है, माना अलग अलग धर्म है, गुजराती फैमिली, सिख फैमिली, वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होंगी तो जरूर खिटपिट होगी, फिर सिविल वार हो जाती है, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्होंने भी दो भाई आपस में नहीं मिलते हैं, फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे, रगतो जाती है ना, माथा मारते रहते हैं,
जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना ही है। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो दो बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं, तो समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को फिर आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है ही सतयुग का। जो देवता धर्म प्रायालोक हो गया है वह फिर से स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इसके बाद फिर सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे जरूर। ये बना बनाया ड्रामा है, हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना। इनका अर्थ कोई समझ ना सके, रात पूरी हो दिन आने वाला है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो गीता में ताकत नहीं रही है। कृष्ण को भी कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में अब वह ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बिगर कल्याण तो हो न सके। इस समय सभी की विपरीत बुद्धि है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाए फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता भी नहीं पड़ता ये कर क्या रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है ये तुम ही जानो, और कोई जान न सके। भगवान वाच, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो, तो ही पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है, सब रावण राज से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफी। 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, यह भी बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट जब बुद्धि में धारण होगी तब यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाएंगे तो, इसलिए ऐसे ही मत समझो कि हम अंत में ही अलग कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। तो जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमद पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कि कितना हम बाप को याद करता हूं
और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सलवेश करते हो। रूह पति से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं। कृष्ण को याद करने से तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, वो तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, ये तो कॉमन बात है, बाकी उन्होंने क्या किया। सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं, अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। यह बेहद की बात, मुख्य टाल टालियां गिनी जाती है, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धियों जुट जाए। बाप कहते हैं सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा, ये यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए ना। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन, सभी रूहों को सालवेश करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, प्यारे से प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है, बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान, मैपन के बोझ को समाप्त कर, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, सिर्फ आप नाचो उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों, क्या, कैसे सर्विस होगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।